हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वेल्स। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट, जो कि है ऑक्टल नंबर सिस्टम। स्टार्ट करने से पहले स्टडी वेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल यानी कि 8। सो इस नंबर सिस्टम का बेस है 8। यहाँ पे 0 से लेके 7 तक यानी कि टोटल 8 डिजिट यूज़ होते हैं और लार्जेस्ट वैल्यू डिजिट है 7। अब हम देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिया है abc.de। सेम जैसे हमने डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम में देखा था, वैसा ही यहाँ करना है। जैसे कि 8:0, 8:1। स्टार्ट कैसे करना है, तो जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड को 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट करना है और उसके राइट साइड को जाते समय -1, -2, -3 ऐसा करना है, जैसा हमने पहले बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए किया था। सिर्फ यहाँ पे बेस होगा 8, इसीलिए 8:0, 8:1 ऐसा मल्टीप्लाई करना है। जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा वो होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और राइट वाला होगा जो सबसे राइट में, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। अब एक एग्जांपल देखते हैं, 253.15। सो जो 3 है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, डेसिमल पॉइंट को लग के लेफ्ट साइड को है, सो उसकी वैल्यू होंगी 8:0 यानी कि 3 × 8:0। फिर 5 के लिए 5 × 8:1, 2 के लिए आएगा 2 × 8:2। इसी तरह से डेसिमल पॉइंट के राइट साइड को 1 के लिए आएगा 1 × 8:-1, 5 × 8:-2। इस तरह से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस नंबर सिस्टम के एप्लीकेशंस क्या है, तो जो लार्ज मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसा होता है, 1010 यूज़ करते हैं तो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसकी साइज़ रिड्यूस करने के लिए ये नंबर सिस्टम फाइंड आउट करी है। ये जो नंबर सिस्टम है वो सब जगह पे यूज़ नहीं होती है, इट इज़ यूज्ड ओनली एज द कन्वीनियंस ऑफ द यूज़र। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई डाउट्स हो तो आप ज़रूर पूछें, ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टडी बेल्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।